सूरत में वारंवार आग की घटनाओं बने त्यारे आग की घटनाओं में केटलीक वार फायर ने पोछवू मुश्किल बने तो सूरत फायर आधुनिक रोबोट वसाव्यो छे जेमां हवे सीसीटीवी पण फिट कराता रेस्क्यू नी हित नी कामगीरी आसानी थी थई शकशे। सूरत में घणी वार मार्केटो साथे मिलकतों में आग की घटनाओं बने छे अने तेना लोको फसाई जता होय छे जेओने उगारवा अने फायर ने भारे जहेमत उठावी पड़े छे अने रेस्क्यू माटे केटलीक वार फायरना जवानो पण इजाओ थाय छे त्यारे सूरत फायरे हाल ज आधुनिक रोबोट वसाव्यो छे जे हवे धुमाड़ामां पण आग बुझावशे अने सीसीटीवी थी माहिती पण आपशे जेथी रेस्क्यू करवामां फायर ऑफिसर ने मदद मळशे। सूरत फायर ने हाल वधु ने वधु आधुनिक बनावाई रही है जेने कारणे अघटित घटना में पण लोकोनो जीव बचावी शकाय। मारो नाम छे अशोक सालुंके, डिविजनल फायर ऑफिसर नौजोन कतारगाम। अत्यारे आपणे जे उभा छे रोबोट ने विकल्प पासे आपणो कतारगाम फायर स्टेशन छे। कई प्रकारनी डेमोन्स्ट्रेशन करवामां आवे? अत्यारे आपणे जे डेमोन्स्ट्रेशन बन्यो जे रोबोट आव्यो छे ते ए रोबोटनो अत्यारे डेमोन्स्ट्रेशन करायो। ए रोबोटनो खास खासियत ए छे के जे जग्या बेसमेंट अंदर जयरे आग लगे अथवा कोई एवं केमिकल में आग लगे तो यी जगह पर आप फायरमेन ने जयरे मोकलीए छे अंदर आग ओलावा तरह फायरमेन ने मुश्किल में फसाई जाए जगह पर रोबोट ने मोकलवामां आवे छे। बेसमेंट ने अंदर जयरे आग लगे तरह स्मोक वधारे होय छे। स्मोक वधारे होय त्यारे अमे फायरमेनों ने बीए सेट पहेरीने मोकलीए छे। बीए सेट की कैपेसिटी ओछी होय छे। बीए सेट एक सिलिंडर की कैपेसिटी 45 मिनिट होय छे परंतु एनो 10 मिनिट मार्जिन माटे राखेलुं छे। 35 मिनिट एने यूज करवानुं होय छे। बीए सेटनु जयरे 35 मिनिट जयरे पूरा थाय एटले सिलिंडर रिप्लेस करवा माटे कर्मचारीने बहार आवुं पड़े छे। एने बदले ए जग्या पर आपणे जो रोबोट मोकलीए तो रोबोट कंटीन्यू कामगीरी करी शके छे अने 180 डिग्री एंगल फरे छे। तदुपरांत रोबोटनी जे तमारो डिस्चार्ज कैपेसिटी छे पर मिनिट 3000 लीटरनी छे। एनो लॉन्ग डिस्टन्स 90 मीटरनू छे। आ रीते रोबोटनू एडवांटेज छे।